नमस्कार मित्रों, स्वागत छे तमारू मारू यूट्यूब चैनल मा मेहुल मावाणी एज्युकेशन एंड कल्चर। जो मित्रों तमे आ चैनल ऊपर नवा हो तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करजो, एटले के नीचे आपेलू सब्सक्राइब नू लाल बटन दबावी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करो, जेथी नवा वीडियो लईने आवू तो तमारा सुधी झड़पथी पहुंची शकू। तो मित्रों आजे आपणे आ वीडियो मा जोशू धोरण 7 विषय हिंदी सेकंड सेमिस्टर एटले के द्वितीय सत्रना पुनरावर्तन 1 ना आपेला तमाम प्रश्नोना उत्तरो अंगे आपणे आ वीडियो मा चर्चा करीशुं। तो मित्रों तमे अगाउ 1-5 पाठ हिंदी विषयना शीखी गया हशो, तो तेना उपर ज मित्रों आपणे अहीं पुनरावर्तन आपेलुं छे, माटे आपणे अहीं आपेला तमाम प्रश्नोना उत्तरो व्यवस्थित रीते आ वीडियो मां समझीशुं। तो शुरू करिए पुनरावर्तन 1। वीडियो शुरू करता पहला मित्रों, जो तमने आ वीडियोना उत्तरो गमे, प्रश्नोना उत्तरो गमे, तो प्लीज मित्रों तमे आ वीडियोनी लिंक तमे तमारा अन्य मित्रों सुधी पण शेर करजो, साथे साथे लाइक जरूरथी करजो अने कॉमेंट बॉक्स मां कॉमेंट पण जरूरथी करजो कि तमने आ वीडियो केवो लाग्यो। साथे साथे कोई पण प्रश्न में समझण ना पड़े तो प्लीज मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करजो, जेथी नवा वीडियो लईने आवू तो तमारा ते प्रश्नोना उत्तरो आपी शको, अने खास सब्सक्राइब करवानुं चूकता नहीं। हवे जोईए पुनरावर्तन 1 नो प्रश्न पहेलो। प्रश्न 1 मित्रों आपणने आपेलो छे, जेनी आपणने सूचना आपवामां आवेली छे, प्रश्नो के उत्तर दीजिए। अहीं मित्रों जे प्रश्नोना उत्तरो आपणे आपवाना छे ते आपणे अगाउ 1-5 एकममां ते प्रश्नोना उत्तरो शीखी गया छीए अथवा तो समझाशुं, तो तेना आधारे आपणे प्रश्नोना उत्तरो आपीशुं। जोईए प्रश्न पहेलो। प्रश्न 1 छे मित्रों, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर, मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को जोड़ सकता है, मनुष्य काल को थाम सकता है, मनुष्य चाहे तो पापों की विनाश लीला रोक सकता है, और मनुष्य को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तो मित्रों मनुष्य क्या क्या कर सकता है एनो उत्तर आपने आ प्रमाणे लखीशू, जे अगाउ एकम 5 आ प्रश्न आवी गयेलो छे, तो तमे ते वक्ते समझाशो तो अहीं ते प्रश्ननो उत्तर व्यवस्थित तमे लखी शकशो। हवे जोईए प्रश्न बीजो। प्रश्न बीजो छे मित्रों, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? आ प्रश्न बेटी काव्यमांथी लीधेलो छे, तेनो उत्तर थशे मित्रों, बेटी तारा बनना चाहती है, दूसरों का सहारा बनना चाहती है, धरती और चांद पर चमकना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, दुनिया को समझना चाहती है, फूलों की तरह बागों में खिलना चाहती है, तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है और नाचना गाना चाहती है। तो मित्रों आ रीते आ प्रश्ननो उत्तर लखीशु। हवे जोईए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 छे मित्रों, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर छे मित्रों, हजरत अली जब राज का काम कर रहे थे तब राज की मोमबत्ती जला रखी थी, जब अपना निजी काम करने लगे तब राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। निजी काम करने के लिए राज की मोमबत्ती जलाना हजरत अली की नजर में चोरी और हरामखोरी थी। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं, राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में हजरत अली की तरह प्रामाणिकता हो। तो मित्रों आ प्रश्ननो उत्तर आ रीते लखीशु।
હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ચોથો. પ્રશ્ન ચાર છે મિત્રો, ચોથી સ્ત્રી કા બેટા સચ્ચા હીરા થા ક્યો? ઉત્તર છે મિત્રો, ચોથી સ્ત્રી કા બેટા બહુત હી સીધા સાદા ઓર સરલ પ્રકૃતિ કા થા. ઉસને સિર પર પાને કા ગડા લેકર ખડી અપની માં કો અનદેખા નહીં કિયા. वह अपनी माँ के पास आया और माँ के सिर से पानी का गड़ा उतार कर अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा, जबकि बाकी तीनों औरतों के बेटे ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं था. इस तरह चौथी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा था. हवे जो ये प्रश्न पांच. प्रश्न पांच मित्रों आपने आपेलो छे, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मित्रों आ प्रश्न नो उत्तर तमे तमारी रीते विचारी ने लखी शको छो. याद रखजो तमारे आ उत्तर तमारी जाते तमे जे घर मा तमारा माता पिता ने काम मा मदद करो छो तेना आधारे लखवानो छे. अही आपेलो उत्तर मात्र नमूना रूप छे. जोइए मित्रों उत्तर केवी रीते लखी शकाय. उत्तर, मैं अपनी माँ को घर में बहुत से कामों में मदद करता हूँ, जैसे सब्जी लाने के लिए, घर का राशन लाने के लिए, घर की साफ सफाई में, ऐसे कई काम में मदद करता हूँ. साथ ही पिताजी के बैंक के काम में, डाक के काम में, खाने पीने की चीजें लाने के लिए, दवाई लाने के काम में मदद करता हूँ. मैं अपने दादा दादी को भी उनके काम में मदद करता हूँ. तो मित्रों आ रीते प्रश्न पांच में तमे तमारा घरे तमारा माता पिता ने केवी रीते घरना कामों में मदद करो छो ते उत्तर विचारी ने लखवानो छे. हवे जोइए प्रश्न नंबर छ. પ્રશ્ન છઠ્ઠો છે મિત્રો, ડોક્ટર કલામ ને ઇસ ઈમેલ સે હમે ક્યા સીખ દી હૈ? ડોક્ટર કલામ ને ઇસ ઈમેલ સે હમે ક્યા સીખ દી હૈ? ઉત્તર છે મિત્રો, ડોક્ટર કલામ ને ઇસ ઈમેલ સે દેશવાસીઓ કે મન મે દેશાભિમાન કી ભાવના ઉત્પન્ન હો એસી સીખ દી હૈ. સાથ હી કહા હૈ કી સરકાર કો ચુનને કે બાદ હમારી સારી જિમ્મેદારિયા સરકાર ઉઠાએંગી એસા સોચતે હૈ ઓર હમ અપના કર્તવ્ય ભૂલ જાતે હૈ. સામાજિક સમસ્યાઓ મે ભી હમારા સ્વાર્થ દેખતે હૈ જો ગલત બાત હૈ. ઇસ પ્રકાર ઈમેલ કે જરિયે ડોક્ટર કલામ ને સચ્ચે નાગરિક કે રૂપ મે અપની જિમ્મેદારિયા નિભાને કી શીખ દી હૈ. તો મિત્રો છઠ્ઠા પ્રશ્ન નો ઉત્તર આ રીતે લખીશું. પ્રશ્ન એક માટે આપેલા છ પ્રશ્નો અગાઉના એકમોમાં આપણે શીખી ગયા છીએ, તેના આધારે જ આપણે ઉત્તર લખવાના છીએ. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર બે. પ્રશ્ન બે મિત્ર, પ્રશ્ન બે ની આપણને સૂચના આપેલી છે રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લખીએ. અહીં મિત્રો આપણને કહાનીની રૂપરેખા એટલે કે કહાનીના મુદ્દા આપેલા છે, તે મુદ્દાનો અભ્યાસ કરી આપણે કહાની એટલે કે વાર્તા લખવાની છે. તો મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા મુદ્દાઓ એટલે કે રૂપરેખાનો તમે વાંચી ચૂક્યા હશો, સમજી ચૂક્યા હશો. તો તેના આધારે હવે આપણે વાર્તા કેવી રીતે લખવાની છે, કહાની કેવી રીતે બનાવવાની છે તે જોઈએ. તો મિત્રો આ વાર્તા આ કહાની આપણે આ રીતે લખીશું. તો મિત્રો કોઈ પણ વાર્તાના આપણને મુદ્દા આપેલા હોય, કહાનીની રૂપરેખા આપેલી હશે, તો સૌ પ્રથમ આપણે તે કહાનીની તે વાર્તાનું યોગ્ય શીર્ષક મનમાં વિચારી રાખીશું. અહીં આ વાર્તાનું પણ આપણે શીર્ષક આપવાનું છે એટલે કે નામ મથાળું આપવાનું છે. તો આ વાર્તાનું શીર્ષક થશે મિત્રો ચતુર બકરી. આ સિવાય પણ તમને કોઈ શીર્ષક યોગ્ય લાગતું હોય બીજું તો તમે તમારી રીતે વિચારીને પણ લખી શકો છો. હવે વાર્તા મિત્રો આ પ્રમાણે લખીશું. ઉત્તર થશે, કનકપુર નામ કા ગાંવ થા, ઉસ ગાંવ મે એક ચરવાહા રહેતા થા, ઉસકે પાસ
बहुत सारी भेड़ बकरी थी। वह हर रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरी चरवाने जाता था। एक दिन चरवाहा जंगल में भेड़ बकरी चरवाने गया था, तब उसमें से एक बकरी जंगल में दूर चली गई। चरवाहा भेड़ बकरी को लेकर आगे निकल गया। बकरी जंगल में अकेली रह गई। तभी वहां पर आगे जोइए मित्रों, एक भेड़िया आ गया। बकरी को देखकर उसे खाने की इच्छा हुई। बकरी बहुत ही होशियार थी। उसने भेड़िये के सामने मरने से पहले गाना गाने की इच्छा व्यक्त की। भेड़िये ने भी उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर लेने दी। फिर बकरी ने मैं करके अपना गाना शुरू किया। बकरी की आवाज सुनकर चरवाहा वहां पर लाठी लेकर आ गया। भेड़िया उसे देखकर वहां से भाग गया। इस तरह चतुर बकरी ने अपनी जान बचाई। हावे मित्रों, शिख कोई पण कहानी ना अंति शिख लखवी खूब जरूरी छे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल में डरना चाहिए नहीं, बुद्धिपूर्वक उसका हल निकालना चाहिए। तो मित्रों, आ रीते आपणे वार्ताना मुद्दा उपरथी सुंदर वार्ता बनावीशुं। सौ प्रथम एनु शीर्षक आपीशुं, त्यारबाद वार्ता कहानीने लखीशुं, अने त्यारबाद अंते शीख एटले के आ वार्ता उपरथी आपणने शुं शीखवा मळ्युं ते पण आपणे लखीशुं। तो आ रीते सुंदर मजानी वार्ता बनावीशुं। हवे जोईए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 छे मित्रों, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। मित्रों, अहीं तमे पत्रनो अभ्यास करी चुक्या हशो। अहीं आपणने पत्रनो मुद्दो आप्यो छे कि तमारी स्कूलमां प्रजासत्ताक दिन एटले के 26 जानुआरीनी उजवणी थाय छे, तो ते बाबतनी जानकारी आपतो पत्र तमारे तमारा मित्रने लखवानो छे। केवी रीते पत्र लखीशुं जोईए तेनो उत्तर। तो मित्रों, पत्रनी शरूआत में हमेशा पत्र लखनारनु सरनामु आवे छे। अहीं धारो के पत्र हूँ लखी रह्यो होईश तो पत्रनु सरनामु मारू आवशे, परंतु जारे तमे तमारी नोटबुक में पत्र लखशो त्यारे सरनामु तमारे तमारू लखवानु छे। अहीं आपेलो उत्तर जोईने कॉपी मारवानी नथी। याद रखजो, हिंदी में पत्र लखीशु त्यारे हमेशा सरनामु डाबी बाजुए लखीशु। डाबी बाजू थी पत्रनी शुरुआत करीशु अने सौ प्रथम पत्र लखनार व्यक्तिनु सरनामु आवशे। उत्तर छे 108 श्री सरनम मोड़ासा रोड बायण, 10 जनवरी 2021। आ रीते आपणे सरनामु लखीशु। पछी आपणा जे मित्रने पत्र लखवानो छे तेने संबोधीने पत्रनी शुरुआत करीशु। प्रिय मित्र पीयूष, तमारे तमारा मित्रनु नाम लखवानु छे। नमस्ते, तुम्हारा पत्र 2 दिन पहले ही मिल गया था, लेकिन मैं हमारी पाठशाला में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त था, इसीलिए आज उत्तर लिखने बैठा हूं। हमारी पाठशाला में हर साल प्रजासत्ताक दिन का कार्यक्रम शानदार तरीके से मनाया जाता है। इस बार गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। ध्वज वंदन के कार्यक्रम के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हमारी कक्षा में सुंदर देशभक्ति गीत पर डांस किया था। दूसरी कक्षा के बच्चों ने भी बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश किए। बाद में सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंत में आचार्य महोदय ने बच्चों को सम्मानित करने के लिए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और भारत माता की जय के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया। और आगे ना लिखते हुए हम सब यहाँ सकुशल हैं। आशा रखता हूं कि तुम सब भी वहां सकुशल होंगे। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, तुम्हारा दोस्त
મેહુલ. અંતિમ મિત્રો તમારે નામ લખવાનું છે. તો આ રીતે તમારા વિદ્યાલયમાં, તમારી શાળામાં જે રીતે 26 જાન્યુઆરી એટલે કે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી થતી હોય તે રીતે પત્ર લખવાનો છે. પત્રની ખાસ ખાસ સૂચનાઓ મિત્રો તમને આ પ્રશ્નની શરૂઆતમાં આપી દીધી છે, તો તે પ્રમાણે સમજી અને પત્ર લખજો. એક વખત તમે મિત્રો પત્ર શીખી જશો, પછી આગળના ધોરણોમાં કે આગળના એકમોમાં જ્યારે પણ પત્ર આવશે તો તમને તે લખવામાં મુશ્કેલી પડશે નહીં. માટે સતત મહાવરો કરતા રહેજો. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન 4 છે મિત્રો, શબ્દકોશ કી સહાયતાથી નિમ્નલિખિત શબ્દો કી તુરંત પહેલે ઓર તુરંત બાદ મે આને વાલે શબ્દ લિખીએ. મિત્રો અહીં તમારી શબ્દકોશની જરૂર પડશે. તમારી શાળામાં હોય અથવા તમારા જોડે વ્યક્તિગત શબ્દકોશ હોય તો તેના આધારે તમે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકશો. યાદ રાખજો મિત્રો, શબ્દકોશ નાનો હશે તો તેમાં આપેલા શબ્દની પહેલા અને પછીના શબ્દમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે, અને શબ્દકોશ મોટો હશે તો પણ તમારો ઉત્તર અલગ અલગ હોઈ શકે છે. પરંતુ તમારી જોડે જે શબ્દકોશ ઉપલબ્ધ છે તે ખોલી અને આપેલો શબ્દ શોધી તેના પહેલા અને તેના બાદ આવેલો શબ્દ લખવાનો છે. શબ્દ આગો પાછો હશે તો એના માટે તમે તમારા શબ્દકોશનો જે શબ્દ આપેલો છે તે જ ઉત્તર લખજો. જોઈએ ઉત્તર. અહીં મિત્રો પહેલો શબ્દ આપ્યો છે ગાંવ. હવે ગાંવની આગળ શબ્દ આવશે ગામી અને ગાંવની પાછળનો શબ્દ બને છે ગાંવટી. જ્યારે તમે તમારા શબ્દકોશમાં જોશો ત્યારે ગાંવની આગળ અને પાછળનો શબ્દ તમારે લખવાનો છે. આ માટે શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. બીજો શબ્દ આપ્યો છે મિત્રો, બીજો શબ્દ છે કસાઈ. તો કસાઈની પહેલા શબ્દ આવશે કસાઈન અને કસાઈની બાદનો શબ્દ આવે છે કસાઈ ખાના. ત્રીજો શબ્દ છે મિત્રો હાસ્ય. હાસ્યના પહેલા શબ્દ આવે છે મિત્રો હાસ્તીન અને હાસ્ય પછીનો શબ્દ આવે છે હાસ્ય કથા. ચોથો શબ્દ છે મિત્રો અભ્યસ્ત. અભ્યસ્તની પહેલા શબ્દકોશમાં શબ્દ આવે છે અભ્યસ્વિયા અને અભ્યસ્ત બાદનો શબ્દ આવે છે મિત્રો અભ્યાંત. પાંચમો શબ્દ જોઈએ. પાંચમો શબ્દ છે મિત્રો સમુદાય. સમુદાય પહેલાનો શબ્દ આવે છે સમુદાનય. સમુદાનય અને સમુદાય પછી શબ્દકોશમાં શબ્દ આવે છે સમુદાયવાચક. તો મિત્રો આ રીતે આપેલા શબ્દની આગળનો શબ્દ અને આપેલા શબ્દ બાંત તરત જનો શબ્દ શબ્દકોશમાંથી શોધીને લખવાનો છે. મતલબ કે તમે જ્યારે શબ્દકોશ ખોલશો અને તમને સમુદાય શબ્દ મળશે તો સમુદાયની ઉપરનો શબ્દ અને સમુદાયની નીચેનો શબ્દ તમારે આપેલી ખાલી જગ્યામાં અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ જગ્યા આપેલી છે ત્યાં તમારે ઉત્તર લખવાનો છે. આ માટે તમારે તમારા શાળાના શબ્દકોશ એટલે કે ડિક્શનરીનો, હિન્દી ડિક્શનરીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. પ્રશ્ન 5 મિત્રો આપણને આપેલો છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કો સંજ્ઞા સર્વનામ ઓર વિશેષણ મે વર્ગીકૃત કીજીએ. અહીં મિત્રો આપણને શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દોને 3 વિભાગમાં વિભાજિત કરવાના છે. એક તો સંજ્ઞા, બીજું છે સર્વનામ અને ત્રીજું છે વિશેષણ. તો જોઈએ મિત્રો સૌપ્રથમ શબ્દો. અહીં આપણને શબ્દો આપેલા છે નર્મદા, ક્યા, ભય, થોડા, જીસ્કો, સેના, હમ, જ્યાદા, સુંદર, અગ્નિ, સાતવા, મનુષ્યતા, કઈ, તીનો, યહ ઓર મોટા. આટલા શબ્દો મિત્રો આપણને આપેલા છે. હવે આ શબ્દોને 3 વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરીએ, એટલે કે જે શબ્દો સંજ્ઞા છે તેને જુદા પાડીએ, જે શબ્દો સર્વનામ છે તેને જુદા પાડીશું અને જે શબ્દો વિશેષણમાં છે તેને અલગ કરીએ. તો મિત્રો
सौ प्रथम आपणे संज्ञा शब्दो जोईए तो अहीं संज्ञा शब्दो आवशे नर्मदा सेना भय अग्नि अने मनुष्यता आटला शब्दों मित्रों संज्ञामां आवे छे। हवे जोईए सर्वनाम तो मित्रों सर्वनाम में अहीं क्या जिसको हम और यह क्या जिसको हम अने यह आटला शब्दों मित्रों सर्वनाम में आवे छे एटले के नाम ने बदले वपराता शब्दों। हवे जोईए विशेषण विशेषण में मित्रों थोड़ा ज्यादा सुंदर सातवा कई तीनों अने मोटा आटला शब्दों मित्रों विशेषण में आवे छे। विशेषण एटले संज्ञा अथवा नामना अर्थ में वधारो करता शब्दों जे तमे अगाउना एकमों में शीखी गया छो। तो मित्रों आटला शब्दों विशेषण में आवशे तो आ रीते आपेला शब्दों ने अपने संज्ञा सर्वनाम अने विशेषण एम त्रणेय विभाग में व्यवस्थित रीते वर्गीकृत कर्या छे। तमने ख्याल आवी गयो हशे। हवे जोईए प्रश्न नंबर छ। प्रश्न छठो छे मित्रों निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अहीं मित्रों आपणने बे काव्य पंक्तियों आपेली छे ते काव्य पंक्तियों भावार्थ एटले के आपणने ते पंक्तियों माथी शुं समझवा शीखवा मळे छे ते लखवानुं छे। जोईए काव्य पंक्ति पहेली पहली काव्य पंक्ति छे मित्रों धरती साधीर तू है अग्नि सावीर तू दो चाहे तो काल को भी थाम ले। मित्रों आ काव्य पंक्ति तमे वाँचता ज ख्याल आवी गयो हशे के धरती की शान काव्यनी छे। जोईए उत्तर प्रस्तुत काव्य पंक्ति धरती की शान काव्य में से ली गई है जिसमें कवि पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य की महानता को उजागर किया है। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि हे मनुष्य तुझमें धरती जैसी धीरज है हे वीर तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है तू अगर चाहे तो काल यानी समय को भी रोक सकता है ऐसा इस पंक्ति का भावार्थ है। तो मित्रों आ रीते आ पंक्ति नो भावार्थ लखीशु। हवे जोईए पंक्ति नंबर बे। बीजी काव्य पंक्ति छे मित्रों निज को तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मित्रों आ पंक्ति पण वाचता आपणने ख्याल आवी जशे के धरती की शान काव्यनी छे। जोईए भावार्थ केवी रीतना लखीशू। उत्तर प्रस्तुत काव्य पंक्ति धरती की शान काव्य में से ली गई है जिसमें कवि पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य की महानता को उजागर किया है। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि हे मनुष्य तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान तू खुद को पहचान तेरी वाणी में युग को ललचकारने की शक्ति है ऐसा इस पंक्ति का भावार्थ है। तो मित्रों आ रीते आ पंक्ति नो भावार्थ लखीशु। छठा प्रश्न माटे मित्रों तमारे आपेली बन्ने पंक्तिओनो भावार्थ लखवानो छे। तो मित्रों आ रीते अहीं पुनरावर्तन एकना एक थी छ प्रश्नों व्यवस्थित रीते तमने अहीं समझावेला छे। आशा राखू छू के तमने तमामे तमाम प्रश्नोना उत्तरो व्यवस्थित रीते समझाई गया हशे। जो तमने मित्रों आ उत्तरो गम्या होय तो प्लीज मित्रों आ वीडियो ने शेयर करजो। आ वीडियो नी लिंक तमे तमारा अन्य मित्रों सुधी पण शेयर करजो जेथी तेओ पण आ उत्तरो थी माहितगार थई शके। साथे साथे लाइक जरूर थी करजो अने कमेंट बॉक्स में कमेंट पण जरूर थी करजो के तमने आ वीडियो केवो लाग्यो अने खास कोई पण प्रश्न ना समझाय तो पण कमेंट बॉक्स में कमेंट करजो जेथी नवा वीडियो लईने आवो तो तमारा सुधी झड़पथी पहोंची शको। अने अगत्यनुं सब्सक्राइब करवानुं तो चूकता नहीं। सब्सक्राइब करवा माटे वीडियो नी नीचे आपेलुं लाल बटन दबावी चेनल ने सब्सक्राइब जरूरथी करजो। तमारो खूब खूब आभार।